अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات النعيم एक रब तो घट बाकी सब तो वद एक रब तो घट बाकी सब तो वद मेरे पाक नबी दी शाने हे अशरफ कुल मखलूक कोलो इहो कुल नबियां दा सुल्तान है ते जेंदा हर कौल जेंदा हर बोल लोगो दीन बनया ते सूरत सीरत कुराने बहु उचिया साजद शान मिलिया खुद शान तो शान हैरान इंतहाई काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम दोस्तों बुजुर्गो और भाइयों मेरे वास्ते इम्तिहान दे नाल नाल खुश नसीबी और खुशकिस्मती दी बात ए वे कि फजीलत शेख उस्तादुल उलमा उस्ताद मोहतरम शेख अब्दुल्ला सुबहानी साहब हाफिज़हुल्लाह तआला उन्हां दीआं दुआवां भी मिल गए और इंशाअल्लाह मेरे तो बाद असल और मुफसल खिताब सुल्तानुल वाइज़ीन फजीलत शेख हजरत मौलाना शेख सुल्तान महमूद साहब हाफिज़हुल्लाह तआला उन्हां दा खिताब है इंशाअल्लाह उन्हें कोलो भी दुआवां मिलवे सन तुसां मेरी तरफ तवज्जो रखनी है इंशाअल्लाह मैं अपनी और तुहाडी इसलाह दी गरज दे नाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वली वसल्लम दी सिर्फ एक हदीस तुसां आबाब दे सामने रखनी है। अल्लाह पाक तो दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वली वसल्लम दी हर हदीस ते आप दी हर सुन्नत ते अमल पैरा होवण दी तौफीक अता फरमावे आमीन ते आगो ना जज़ाकुमुल्लाह खैर। इन दुनिया दे अंदर ओ बंदा बड़ा खुश नसीब है ओ बंदा बड़ा खुशबख्त है जेंदा ज़ामिन मजबूत होवे जेंदी कोई जमानत देवण वाला मजबूत होवे। तुसा गौर करो बंदे कोलो एक रुपया भी ना होवे ते बंदा लखें करोड़ें दा कारोबार कीती वधाउंदा केड़ी चीज दी बुनियाद ते ओ कारोबार वधा करेंदा है उंदी वजह ए है कि पिछो ज़ामिन मजबूत है। लोग को आदन यार तू फलाने बंदे को उधार देना पई ए बंदा ते फराड़ी है ए बंदा ते बेइतबार है वो आदे यार मैं को इंदे नाल कोई गर्ज नहीं मैं दे असल जामिन दे नाल गाल बात है जामिन इंदा मजबूत है मैं उंदकल पुछ गुछ करनी है मैं को इंदे नाल क्या जे जा मर्दी बंदा है। तुसा दुनियावी अदालत दे केस दे गिनो बड़े बड़े कत्ल दे मुजरम बड़े बड़े जुर्मा दे मुजरम जमानत दे उते रिहा थे वदन बाहर वदन फिर दे टुर दे वदन अपनी जिंदगी बसर पे करन उन्हां कोलों पूछो वे ए जिहड़ा जुर्म कीता ई कतल करके वला भी जवान बाहर वदा है ओ जवाब देना है कि मेरी जमानत मजबूत आई जमानत दे वणाला जामिन मजबूत आ जमानत दी बुनियाद ते जुर्म होवण दे बावजूद मैं बाहर वदा मौज करंदा वदा ऐशी शरत करंदा वदा। अगली बात ते तवज्जो करना एक पूरे क्लास दे विचों उस्ताद मोहतरम एक शगिर्दी जमानत च दे कि फलाना जड़ा शगिर्द है ना इंदा जामिन मैं आप हाँ उ क्लास दी 15-20 तालिब इलमां विचों जेड़े
स्टूडेंट और जेड़े शगिर्दी जमानत उस्ताद दीती है, पूरा मदरसा, पूरा स्कूल, पूरी एकेडमी, पूरा कॉलेज और पूरी यूनिवर्सिटी उन स्टूडेंट और उन शगिर्द दी, उन तालेब इलम दी इज्जत करेंदन, उकुं कदर दी निगाह नाल लेदन, क्यों जो ए ओ खुश नसीब तालेब इलम है जेंदी जमानत इन्दे उस्ताद दीती है, जेंदा जामेन इंदा उस्ताद बन गए। और अगली बात ते तवज्जो करना, पांच पुत्रां दे विचों जेड़े पुत्र दी अबू जान जमानत चले मन, बाबा ये जेड़ा मेरा पुत्र है ना, मैं इंदे हर मामले दा जामेन आप हाँ, बाबा जान जेदे बारे आख देवन, वाले साहब जेदे बारे आख देवन के ई पुत्र दा जामेन ही मैं हाँ, ते पूरा मुआशरा, पूरा महल्ला, पूरा इलाका, पूरी ओ बस्ती ऊ पुत्र को कदर दी निगाह नाल ले दिए, क्यों जो पंजां पुत्रां दे विचों ए वाहिद पुत्र है जेंदा जामेन ही ना वाले साहब बन गए, जिंदी जमानत ही ने वाले साहब दीती है, दुनिया का कोई सियासतदान वड्डा वडेरा कहीं दा जामेन बन पवे सारी जिंदगी उंदी कदर करेंदन, क्यों जो औखे वक्त च ई बंदे मेरी जमानत दीती आई। मेरी तरफ तवज्जो करना, इन्हां सारियां गल्लां तों साकू एक मसला समझ आए कि ई दुनिया दे अंदर जेड़े बंदे दा कोई जामेन मौजूद है ना, वो बंदा वारसा आला गिणिया वेंदा है, और जेड़े बंदे दा कोई जामेन कहनी ना, वो बंदे दी मुआशरे दे अंदर कोई ए जड़ी औकात कहनी, लोग उकू कदर दी निगाह नाल नहीं लेंदे। हुण तवज्जो करना, जेंदी उस्ताद जमानत देवे वो शगिर्द खुश नसीब है, जेड़े पुत्र दी अबू जान जमानत देवन वो पुत्र खुश नसीब है, जेंदी मुआशरे च कोई जमानत जा देवे जामिन बन वंजे वो बंदा खुश नसीब है, ते जेंदी अरशा वाला रब आप जमानत जा देवे, जेंदा अरशा वाला रब आप जामिन बन वंजे वो के जेड़ा बड़ा खुश नसीब हो सी। हजराते दी वकार, अल्लाह दी जमीन दे उते कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हां दे हर मामले दा जामिन अरशा वाला रब आप बन गए। अल्लाह दी मेरी तरफ तो ये सुते पैना साले ना, इन्हों को हौली हौली जगह सो इंशाल्लाह, इंशाल्लाह हुणे मेरे तो बात चावल ही है, तवज्जो रखना। मैं जड़ी बात समझना पिया, बड़ा खुश नसीब है वो बंदा जेंदी जमानत अरशा वाला रब जावे, जेंदा जामिन अरशा वाला रब बन वे। हजराते जी वकार, उंदे हर दुख दूर हो गए, उंदी हर परेशानी दूर हो गई, और अल्लाह दी जमीन ते कुछ लोग ऐसे खुश नसीब हैं जिन्हां दे हर मामले दा जामिन अरशां वाला रब बन गए। आओ मैं तुहानू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम दी एक हदीस सुनावां, ऐसे लोग बयान करां जिन्हां लोगों का जामिन अरशां वाला रब आप है। हुण जरा तुसा मेरी तरफ तवज्जो कराए, मैं मस्जिद च बैठा, वुजू नाल बैठा, मैं अल्लाह को गवाह बना के ये बात आखण को तैयार हाँ, साकू अपने अखीं दे लिठे दे उते इतना यकीन कहनी जितना इमाम अल-अंबिया सैयदुल अंबिया जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम दी हदीस पाक ते यकीन है। और मैं उहे जे लोग तो को खुश नसीब नबी पाक दी हदीस विच दसण लगा जिन्हां दा जामिन अरशां वाला रब आप बन वेंदे। अल्लाह ताला दे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया इमामुल हुदा जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम दे प्यारे साहबी सैयदुना हजरते माज बिन जबल रदी अल्लाह ताला नो हदीसे पाक दे रावियां हदीसे पाक सही इब्ने हिब्बान दे अंदर मौजूद है। हजरते माज बिन जबल रदी अल्लाह ताला नो फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने फरमाया मन जाहदा फी सबीलिल्लाहि काना जामिन अल्लाह, जेड़ा जेड़ा बंदा अल्लाह पाक दे रास्ते दे अंदर जिहाद जा करे, जेड़ा जेड़ा बंदा मुजाहिद बन के अल्लाह दे रास्ते जिहाद करे, अल्लाह दे दीन दे वास्ते जिहाद करे, अल्लाह दे दीन दी सरबुलंदी वास्ते जिहाद करे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने फरमाया काना जामिन अल्लाह, ई बंदे दा जामिन अरशां वाला रब बन।
ओ बंदा जेड़ा बंदा मुजाहिद बन के अल्लाह दे रास्ते जिहाद जा करे उदा जामिन अरशा वाला रब आप बनवेंदे। हुण जरा मेरी तरफ तवज्जो करें, अरशा वाला रब उन बंदे दा जामिन किवें बनदे। मेरे तो कबल फाजिल भाई हजरत मौलाना सनाउल्ला रफीक साहब हाफिजाउल्लाह ताला एक हदीस पाक बैठे बयान करेंदे हन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम दा एक सहाबी है, इशारा करना मकसद है, सारा वाक्या सुनावण मकसद नहीं, एक बात सुनावण मकसद है। मेरी तरफ तवज्जो कराए, नबी पाक दा एक सहाबी है जिंदा नाम हजरत हंजला रजी अल्लाह ताला अन्हु है, जेको दुनिया के नाम दे लोग गसीलुल मलाइका दे नाम तो जानदन, यानी ओ सहाबी जेको अल्लाह दे फरिश्ते आके जमीन ते गुसल करवाया हा, ओ सहाबी जेको अल्लाह दे फरिश्ते आके जन्नत वाले पानी दे नाल जंती फरिश्ते गुसल वदे करवेंदे हन। हुण जरा मेरी तरफ तवज्जो कराए, हालांकि मैयत को गुसल करवावना घर वालों की जिम्मेदारी आती है, मैयत को गुसल करवावना रिश्तेदारों की जिम्मेदारी आती है, मैयत को गुसल करवावना अजीजो अकारिब की जिम्मेदारी आती है, मैयत को गुसल करवावना रिश्तेदारों ते यारों की जिम्मेदारी आती है। लेकिन इको गुसल ई सहाबी ते गुसल फर्ज आ, ये फर्ज गुसल करवावन वास्ते रिश्तेदार बाद चैन घर वाली बाद चाहिए इतला देवन वास्ते यार बाद जैन। अल्लाह पाक ने आसमान तो जनती फरिश्ते भेजन, जनती फरिश्ते हजरत हंजला दे हाथ दुएं दे वनन, जनती फरिश्ते हजरत हंजला दी कुली करवें दे वनन, जनती फरिश्ते हजरत हंजला दा चेहरा धोंदे वनन, जनती फरिश्ते हजरत हंजला दे बाजू धोंदे वनन, ये जनती फरिश्ते हजरत हंजला दे कदम ते पैर धोंदे वनन। मेरे को पूछो ये अल्लाह दे नूरानी ते जनती फरिश्ते जन्नत दा पानी घिना के इको गुसल क्यों वदे करवेंदे हन, इंदे पैर क्यों वदे धोंदे हन, इंदा चेहरा क्यों वदे धोंदे हन, इंदे हाथ क्यों वदे धोंदे हन। मैं तो कुछ जवाब देवा, नबी पाक दा ए सहाबी अल्लाह दे रास्ते जिहाद ते आया वदा हा। नबी पाक ने फरमाया, मन जाहदा फी सबीलिल्लाही काना ज़ामिनन अलल्लाह, जेड़ा जेड़ा बंदा अल्लाह दे रास्ते दे अंदर मुजाहिद बन के जिहाद करे उदा ज़ामिन अरशा वाला रब आप बनवेंदे। इकू अल्लाह फरिश्ते दे जरिए गुसल ई वजह कोलों बैठा दीवेंदा, क्योंकि ए जिहाद ते गिया वदा, और जिहाद करन वाले बंदे दा ज़ामिन अरशा वाला रब आप। नबी पाक दे सहाबे कराम हदीसे पाक बुखारी शरीफ दे अंदर मौजूद है, अल्लाह दे पैगंबर दे दह सहाबे कराम हजरत आसिम बिन साबित रजी अल्लाह ताला अनु दी कियादत दे अंदर ए अल्लाह दे रास्ते दे अंदर दावत दीन वास्ते वेंदे पैन। रास्ते दे अंदर कुछ कुफार ने इन्हां सहाबे कराम को शहीद कर दिता, शहीद करन तो बाद मुशरकी ने मक्का दे कोल आए, मुशरकी ने मक्का को आखन लगे साकू इनाम दियो, असा नबी दे सहाबा ते तुहाडे दुश्मना को कतल कर रहे हैं। ए मक्के दे मुशरक आखन लगे तो कोई इनाम दे दे सू, लेकिन इनाम तो पहले साकू कोई निशानी ते दिखाओ, जेड़ी निशानी नाल वाजे थी वे तुसा नबी दे यारां को कतल कर रहे हो। ए निशानी वास्ते गर्दना कटन वास्ते ओ पहाड़ ते आए न ताकि गर्दना कट वञू, वंज के मुशरकी ने मक्का दे सामने नबी दे यारां दी गर्दना पेश करूं, उन्हां को यकीन थी वंजे असा नबी दे यारां को शहीद कर रहे हैं, लिहाजा साकू इनाम मिल वैसी। एक काफिर लोग नबी दे यारां दी मैयतां दी गर्दना कटन वास्ते जड़े वेले आंदे पयान, हदीस बुखारी शरीफ दे अंदर मौजूद है, अल्लाह पाक ने आसमान तो जिवें अपने बैतुल्ला दी हिफाजत वास्ते अल्लाह पाक ने अबाबील भेज के हाथी आलियां को बर्बाद कीता,
अब्रहा बादशाह को बर्बाद किया। इवें अल्लाह पाक ने अपने नबी दे यारां दी हिफाजत वास्ते आसमान तो मक्खियां भेज दित्तियां। ये मक्खियां दा भाणा है, इन्हां काफरां को भजा दित्ता सी। अल्लाह पाक ने आसमान तो पानी भेजे, ये पानी दे अंदर तैरदियां होया मैयतां अल्लाह पाक ने दरिया दे हवाले कर दित्तियां। सारी कायनात को अल्लाह ने पैगाम दे दित्ता, जेड़ा बंदा जिहाद दे अंदर होवे उंदा ज़मीन अल्लाह आप आउंदा है। इन्हां दा मैयतां को गुस्सा लेवणा, इन्हां दीआं मैयतां को संभालना, इन्हां दीआं मैयतां को कबरां दे अंदर उतारना रिश्तेदारां दी जिम्मेदारी है, यारां दी जिम्मेदारी है। यार नहीं पहुंचे, रिश्तेदार नहीं पहुंचे, अल्लाह ने अपनी रहमत बारिश भेज के इन्हां दीआं मैयतां को पानी दे हवाले करके सारी कायनात दे लोगों को पैगाम दे दिता। मन जाहदा फी सबीलिल्लाही काना ज़ामिन अल्लाह, जेड़ा जेड़ा बंदा अल्लाह पाक दे रास्ते दे अंदर जिहाद चा करे ऊ बंदे दा ज़ामिन अल्लाह बनवे। ज़ामिन कौन होंदे? जेड़ा बंदा जिहाद करे उंदा ज़ामिन कौन होंदे? बोलो सारे, जेको अल्लाह आंदे ना ओ बोले, उंदा ज़ामिन कौन होंदे जेड़ा जिहाद करे? ते दूजे नंबर ते तुस आखो जिहाद ते इत्थां ए कोई ना हुकूमत वंजण नहीं दे दी, करण नहीं दे दी, हुण क्या करूं मैं? भी आए कमल सेना जेड़ा अमल रोजाना कर सकदा है, हर छोटा बड़ा कर सकदा है, हर अमीर गरीब कर सकदा है, हर काला गोरा कर सकदा है, हर नसल दा बंदा कर सकदा है, पैसे भी खर्च नहीं थींदे ते बंदा ये अमल जा करे। ऐसे अमल दे नाल इंदे हर मामले दा सामने अल्लाह आप बनवेंदे। हदीसे पाक दे अंदर आंदे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने फरमाया, फमन आदा मरीजन काना ज़ामिन अल्लाह, जेड़ा जेड़ा बंदा कहीं मरीज दी अयादत जा करे, जेड़ा जेड़ा बंदा कहीं बीमार दी बीमार पुरसी जा करे, काना ज़ामिन अल्लाह ऊ बंदे दा ज़ामिन भी अरशा वाला रब्बा बनवे। मरीज दी अयादत करनी है, जेड़ा जेड़ा बंदा मरीज दी इबादत जा करे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने फरमाया, सुबह इबादत करे ता शाम तक, शाम को इबादत करे, शाम को कहीं बीमार दे कोल लगा गए वन के हाल हवीला पूछे जा, वन के उको हौसला जारी तस, वन के उको दुआ जारी तीस, वन के उको अल्लाह दे नाल उम्मीद जलवाईस, वन के उंदे नाल उको सबर दी तलकीन जा कीतीस। नबी पाक ने फरमाया, सवेर टाइम गए ता सवेर कोलो घिन के शाम तक, ये शाम टाइम गए ता शाम कोलो घिन के सवेर तक, अल्लाह दे जन्नती फरिश्ते, अल्लाह दे नूरानी फरिश्ते, मासूमनिल खता फरिश्ते, गलती तो पाक फरिश्ते, गुनाहे तो पाक फरिश्ते, खतावां कोलो पाक फरिश्ते, 70,000 फरिश्ते सवेर कोलो घिन के शाम तक, ये शाम को गए शाम कोलो घिन के सवेर तक अल्लाह पाक दे कोलों दुआ करें, ऐ अल्लाह इकू अपनी रहमत अता फरमा ले, ऐ अल्लाह ई बंदे जा सारियां गलतियां माफ फरमा ले, ऐ अल्लाह ई बंदे को अपने बरकतां अता फरमा ले, ऐ अल्लाह तू ई बंदे दे नाल राजी थी वंज। हजराते दी वकार पहला फायदा, बरीज बंदे दी इबादत करो ते अल्लाह पाक अस ऊ बंदे दा ज़ामिन बनवेंदे। दूजा फायदा, मरीज बंदे दी इबादत करो अल्लाह पाक दे 70,000 जन्नती फरिश्ते ने सारी दीवार ते सारी रात दियां दुआवां मिल वेंदियां। हुण अगली बात ते तवज्जो कराए, अपना बीमार होवे, पराया बीमार होवे, सज्जन बीमार होवे, दुश्मन बीमार होवे, छोटा बीमार होवे या बड़ा बीमार होवे, यार बीमार होवे, रिश्तेदार या अगियार बीमार होवे, हमसाया बीमार होवे या पराया बीमार, कोई भी बीमार होवे उंदी इबादत करन गए करो, उंदा फायदा क्या थींदा है? मेरी तरफ तवज्जो कराए, मैं हदीसे पाक विचों बात समझावण चाहना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
दीवार मस्जिद नबी दे अंदर दरस इरशाद फरमाने बैठे। आपने फरमाया मेरे साहबा फिलाना बच्चा क्यों नहीं आया, ओ बाल जड़ा दरस सुनदा हा आज वो नजर नहीं पे आंदा। सहाबे कराम ने पता करवाया, सहाबे कराम अर्ज करन लगे अल्लाह दे पैगंबर ओ बाल बीमार है, बीमारी दी वजह तो वो मस्जिद च नहीं आ सकया, बीमारी दी वजह तो वो मस्जिद च दरस सुनन वास्ते नहीं आ सकया। मेरी तरफ तवज्जो कराए, नबी पाक ने फरमाया मेरे सहाबे कराम दी जमात आओ जिन्हों मरीज बंदे ते बीमार बाल दी इयादत करके आऊं। अल्लाह दे पैगंबर ओ तुहाडे कई सहाबी दा बाल नहीं ते ओ आप भी मुसलमान नहीं, ओ बाल आप भी यहूदी है ते उंदा अब्बा भी यहूदी है। तुहाडे कई यार दा बाल नहीं, रिश्तेदारां दा बाल नहीं, तुहाडे मनण वाले दा बाल नहीं, ओ ते गैर मुस्लिम ने यहूदी हैं ते बाल भी यहूदी है, उंदा अब्बा भी यहूदी है, उंदा सारा घराना यहूदी है। नबी पाक ने फरमाया मेरे साहबा भावे यहूदी है आओ जुलू दी इयादत करन। हुण मेरी तरफ तवज्जो कराए, आमना दे लाल जनाबे मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम यहूदी बाल दी इयादत करन वास्ते यहूदी दे घर वेंदे पैन, उन्हां लोगों को पैगाम पैदे जेड़े आदन मेरा अब्बा जो बीमार थिया हा फिलाना बंदा पुछण वास्ते ना आया हा, मैं क्यों वन्या पुछण वास्ते। उन्हां लोगों वास्ते पैगाम है जेड़े आदन सारी अम्मा जो हस्पताल दाखिल रही है इन्हां दे घर विचों कोई हाल हवीला करन नहीं आया, हुण चुड़दा मर वन्ये ते असां पुछण वास्ते नहीं सेवेंदे। ये उन्हां लोगों वास्ते पैगाम है जेड़े आदन साडा चाचा साडा रिश्तेदार उन्दा जो ऑपरेशन थिया हा वो जो दुखाए जा इन्हां दे घर विचों कोई पुछण वास्ते नहीं आया, असां क्यों वन्यू। ओए लोगो नबी पाक यहूदी दे घर वेंदे पैन अपनी उम्मत दे लोगों को पैगाम पे देन, अपना बीमार होवे पराया बीमार होवे सज्जन बीमार होवे दुश्मन बीमार होवे तुसां इयादत करन वास्ते गए करो, बीमार पुरसी करन वास्ते गए करो, फायदा क्या थींदा है। जरा मेरी तरफ तवज्जो कराए, मैं फायदा दसावण लगा। नबी पाक इंदे दरवाजे ते आ गए, दरवाजा खड़काए ने यहूदी बाहर आए, अल्लाह दे पैगंबर को सामने देख के हैरान हो गए। मुसलमानों दा नबी हो के एक यहूदी दे घर आया खड़े खैर होवे पुछन लगा खैर ता है। आपने फरमाया तेरे बाल दी इयादत करन वास्ते आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम दी ए बात सुन के यहूदी हैरान हो गए, अपने घर दे अंदर घिन आए। नबी पाक ने इन बाल दी इयादत की है, बीमार पुरसी की है, बीमार पुरसी करन तो बाद नबी पाक ने फरमाया या गुलाम कुल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ मासूम बाल ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ गन मुसलमान थी वन रब दी तौहीद को तस्लीम कर गन। हुण जरा मेरी तरफ तवज्जो करे, हदीस पाक दे अंदर आंदे ए यहूदी बाल इवें अपने बाबे दो नसना चाह के देखन लगा, केड़े बाबे दो जेड़ा अब्बा खुद कलमा कहना पढ़दा हा, केड़े पियू दो देदा पै जेड़ा पियू आप यहूदी है ते बाप नजरां झुका के आदा पै अते अबल कासिम। ओ मेरे लाल मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम जिवें आधे वन उवें करेंदा वन कलमा पढ़ गन मैं इजाजत पिया देवा। हुण जरा मेरी तरफ तवज्जो करे, ई बाल कलमा पढ़िया नबी पाक ने अल्लाह दा शुक्र अदा किया, हदीस इत्थां मुकम्मल थी गई है। लेकिन जड़ी बात मैं तो को समझावन चाहना, यहूदी आप तो कलमा कहना पढ़ता हा, आप ते नबी पाक ते ईमान कहना घिन आया हा, आप ते इस्लाम कबूल कहना कीती वदा हा, वाला अपने पुत्र को इजाजत क्यों पिया देना हा, आप ते मुसलमान ना पिया थींदा हा, अपने पुत्र को मुसलमान थीवन दी इजाजत क्यों पिया देना। मेरे कोल पुछो ते मैं तो को पैगाम समझावा। ओए लो
लोगो कोई बंदा बीमार होवे कोई बंदा दुखी होवे उंदे कोलों टुर के लगे वनो नफरत दिलाई जो मिट वेंदी है दुश्मनियां खत्म थी वेंदियां लड़ाइयां मुक वेंदियां झगड़े खत्म थी वेंदन बुग्ज मिट वेंदे हसद खत्म थी वेंदे मुहब्बत प्यार कायम थी वेंदे इत्तेफाक इत्तेहाद कायम थी वेंदे अज तो बाद अकीदा बना के वनो अपना बीमार होवे पराया बीमार होवे सज्जन बीमार होवे दुश्मन बीमार होवे वंजने उंदी यादत करन पहला फायदा क्या थींदे नफरत मिट वेंदियां मुहब्बत कायम थी वेंदियां लड़ाइयां खत्म थी वेंदियां यारियां लग वेंदियां दूजा फायदा क्या थींदे अल्लाह दे 70,000 जन्नती फरिश्ते दी दुआ मिल वेंदी है ते त्रीजा फायदा क्या थींदे नबी पाक ने फरमाया फमन आदा मरीजन काना सामिन अल्लाह जड़ा जड़ा बंदा कई बीमार बंदे दी बीमार पुरसी जा करे मरीज बंदे दी आयादत करे काना सामिन अल्लाह उंदी रिज़्क रोजी दा सामिन भी अल्लाह उंदे दुख ते सुख दा सामिन भी अल्लाह उंदी खुशी ते गमी दा सामिन भी अल्लाह उंदी सेहत दा सामिन भी अल्लाह उंदे रोटी दा सामिन भी अल्लाह उंदे घर दा सामिन भी अल्लाह उंदी औलाद दा सामिन भी अल्लाह उंदे घर दे मामलात दा सामिन भी अल्लाह उंदी अपनी जान दा सामिन भी अल्लाह उंदे माल दा सामिन भी अल्लाह हदीसे पाक मन जाहद फी सबीलिल्लाह कान ज़ामिनन अल्लाह जड़ा बंदा अल्लाह दे रास्ते जिहाद करे उंदा ज़ामिन भी अल्लाह फमन आदा मरीजन कान ज़ामिनन अल्लाह जड़ा बंदा कई मरीज बंदे दी आयादा चा करे उं बंदे दा ज़ामिन भी अर्शा वाला रब्बा बन मेरी तरफ तवज्जो बस अल्लाह तआला जिंदाबाद मेरी तरफ तवज्जो रखना जेड़ा बंदा जिहाद करे उंदा ज़ामिन कौन सारे बोलो बोलो जे समझ आई हो ते बोले जेड़ा बंदा जिहाद करे उंदा ज़ामिन कौन मैं वे बात मुकेदा पिया बा नेड़े नेड़े है ते जेड़ा बंदा कई मरीज बंदे दी यादा चा करे उंदा ज़ामिन कौन त्रीजे नंबर ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने फरमाया वमन गदा इला मस्जिदन औराहा काना ज़ामिन अल्लाह जेड़ा जेड़ा बंदा मस्जिद तो चल के आवे उंदा दिल मस्जिद अंदर लग वंजे मस्जिद नाल मुहब्बत मस्जिद नाल प्यार मस्जिद दी देखभाल अल्लाह दे घर दे नाल मुहब्बत अल्लाह दे घर दे अंदर सकून जेड़े बंदे को मिल वंजे काना ज़ामिन अल्लाह ऊ बंदे दा ज़ामिन भी अर्शा वाला रब्बा बन वंदे मस्जिद की देखभाल करनी है मस्जिद की देखभाल करने वाले बड़े खुश नसीब लोग हैं तुसां अल्लाह दे घर की देखभाल कीती करो अल्लाह पाक तुहाडे घर की देखभाल करे तुसां अल्लाह दे घर की सफाई कीती करो अल्लाह पाक तुहाडे घरां दे दुख मुका दे सी तुसां अल्लाह दे घर दे मामला ठीक कीते करो अल्लाह पाक तुहाडे घरां दे मामला ठीक कर रहे सी मेरी तरफ तवज्जो कराए इको बंदा होवे ना इको बंदा उंदे 10 मरले का प्लाट होवे पांच मरले चो मस्जिद बना देवे ते पांच मरले चो घर जा बनावे हुण मेरी तरफ तवज्जो कराए पांच मरले च मस्जिद बन गई और पांच मरले च घर बन गए प्लाट इको बंदे दे मालिक इको है जमीन दा टुकड़ा इको है मिट्टी इका है लेकिन एक जगह दे उते चल के आवण भी सवाब है एक जगह ते चल के आवण हर कदम दे बदले नेकी है एक जगह ते चल के आवन हर कदम दे बदले रहमत है एक जगह ते चल के आवन हर कदम दे बदले गुना माफ पे थींदन एक जगह ते चल के आंदा पे बंदा अल्लाह राजी पिया थींदे एक ऐसी जगह है वो इको प्लाट है 10 मरले लेकिन एक प्लाट है बंदा सुमदा पे ते को सुमण दा सवाब ए बांधा पे ते को बैठन दा सवाब ए गुफ्तगू करे दा बैठे ते को लावण दा सवाब लेकिन दूजे प्लाट दे अंदर ना चल के आवण दा सवाब ना सुमण ते बहण दा सवाब प्लाट ते ही कोई मिट्टी ते ही कोई मालिक भी ही कोई जगह भी ही कोई वल क्यों ए डिफरेंस है वल क्यों ए फर्क है एक जगह ते सुमण दा सवाब है दी जगह ते सवाब नहीं पिया मिलदा एक जगह ते चल के आवण दा भी सवाब है बहण दा भी सवाब है
एक जगह ते नहीं पिया मिलदा, उदी वजह क्या है? प्लाट ते ही कोए, मालिक ते ही कोए, लेकिन एक टुकड़ा मस्जिद बन गए ते एक घर बन गए। जेड़े टुकड़ा मस्जिद बन गए, प्लाट ते जमीन ते मालिक ही कोए, लेकिन मस्जिद च चल के आवण दा भी सवाब, इंदे च उठण दा भी सवाब, इंदे बहण दा भी सवाब, इंदे सुमण दा भी सवाब। वजह क्या है? क्योंकि मस्जिद बन गई है। ओए लोगो, मस्जिद की देखभाल की करो, अल्लाह पाक तुहाडे दुख दूर कर दे सी। मस्जिद की देखभाल की करो, अल्लाह पाक तुहाडे गम ते परेशानियां दूर कर दे सी। तुसा मस्जिद की देखभाल की करो, अर्शां वाला रब तुहाडे नाल राज़ी। ए नहीं वे बल्लब खराब है फिलाने दे सी मेरे सो ठीक, ना ना मैं ठीक करवावा, ए टूटी खराब है फिलाना नहीं मैं ठीक करवावा, मस्जिद की सफाई थी वणा दी है फिलाना, ना 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 मैं सफाई करा। जदा तुहाडे अंदर ए शौक पैदा थी गया, काना जामिन अल्लाह, ऐसे बंदे दा जामिन अर्शां वाला रब आप बन वंदे। कितने बंदे हो गए बोलो, कितने? त्रै बंदे। पहला बंदा मुजाहिद जदा जामिन कौन होवे बोलो, सारे अलाउ मैं मुकेंदा पिया। दूजा बंदा जेड़ा बंदा मरीज दी इयादत करे उंदा जामिन कौन होवे, हर मामले दा जामिन अल्लाह। तीजा बंदा जेड़ा मस्जिद दी देखभाल करे उंदा जामिन कौन होवे। चौथे नंबर ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वमन दाखला अला इमामन काना युअज्जिज़ुहू काना ज़ामिनन अलल्लाह। जेड़ा बंदा अपने इमाम दी, अपने सरबरा दी, अपने लीडर दी इज्जत करेंदा होवे, काना ज़ामिनन अलल्लाह, ई बंदे दा ज़ामिन भी अर्शां वाला रब आप बनवेंदे वे। और आखिरी बात सुनो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वमन जालासा फी बेती ही लम यगतब इंसानन काना जामिनन अल्लाह। जेड़ा बंदा अपने घर च मौजूद होवे और कहीं बंदे दी गीबत ना करे, कहीं बंदे दे खिलाफ ऐसी बात न करे जेड़ी उको ना पसंद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गीबत न करण वाले अहलन व सालन मरहबा। अल्हम्दुलिल्लाह सुल्तानुल वाइजीन फजीलतु शेख बकियतु सलफ हजरत मौलाना शेख सुल्तान महमूद साहब हाफिज़हुल्लाह ताला तशरीफ ले आ चुके, शेखुल हदीस हजरत मौलाना शेख ईसा मुबशर साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, दीगर उलमाए किराम तशरीफ घेन। मेरी तरफ तवज्जो करना, आखिरी बात बैठा करें ना, जेड़ा बंदा कहीं बंदे दी गीबत न करे उंदा जामिन भी अल्लाह होंदा है। ते नबी पाक ने एक दिमार अपने सहाबा इकराम को फरमाए, ऐ मेरे सहाबा क्या तुसा जानदे हो आता दरूना मल गीबा, क्या जानदे हो गीबत कै को आदन। अल्लाह दे पाक पैगंबर दे सहाबा इकराम अर्ज करन लगे, अल्लाह दे पैगंबर अल्लाह और उंदे रसूल बेहतर जानदे, क्यों? क्योंकि अल्लाह पाक दे अहकाम ने होणे, अल्लाह पाक ने अपना पैगाम देवना है ते रसूल पाक ने समझावना है। सहाबा इकराम ही वजह को बैठे आदे हैं, अल्लाह ते उंदे रसूल बेहतर जानदे हैं गीबत केड़ी चीज होंदी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहीं अपने भिरा दी गैर मौजूदगी ऐसी कोई बात करना जेड़ी गाल को वो पसंद नहीं करेगा। आपने फरमाया इहा ते गीबत है, मेरी तरफ तवज्जो कराए। सहाबा इकराम अर्ज करन लगे, अल्लाह दे पाक पैगंबर जे वो उंदे अंदर मौजूद होवे, ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जे उंदे अंदर मौजूद है ते ए गीबत है, जे मौजूद नहीं ते ए इल्जाम है। हुण मेरी तरफ तवज्जो करना, असा ते कई चीजा ऐसे हैं जिन्हां को गीबत समझते ही नहीं, उन्होंने बारे क्या ख्याल है? हजरत मां आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाईंदन, एक दीवारी में मैं इशारे च बात सुना वन्या, एक दीवारी में एक सहाबिया का तस्करा थे, नबी पाक दी घर वाली का तस्करा थे, मैं इतना एक जुमला बोलियम, वो छोटे कद वाली, वाकई तौर ते उंदा छोटा कद हा, इतना एक जुमला बोलियम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा अगर तेरे ई जुमले को जड़ा छोटे कद वाली इतने एक जुमले को एक समंदर दे पानी दे हवाले कर दिता वंजे, समंदर दा पानी दरिया दा पानी कड़वा थी वंजे। और मेरी तरफ तवज्जो कराए नौजवानों ते मेरे अजीज बुजुर्गो, असा जेडे रोज मर्रा है जुमले ले फिलाने दी आवाज, फिलाने दा नक डिठई, फिलाने दा कान डिठई, फिलाने दा मुंह, इनी टोर देख वे इंजियां जिणियां गल ही करने हैं, जिणियां अगले को पसंद कहे नी, जेडे असा उना दे नाम बिगाड़ी वदे हैं, जेडे अगले को पसंद कहे नी, तवल ए गीबत है। और गीबत इतना जहर मौजूद है इनके अंदर, इतनी गंदगी मौजूद है इन जुमले के अंदर, अगर इन जुमले को एक बाल्टी नहीं
एक कसी नहीं, एक नहर नहीं, दरिया दे पानी दे भी हवाले कर न्यू। सारी जुबानी चो रोजमर्रा अदा होने वाले ये जुमले इतने गंदे हैं कि समंदर ते दरिया दे पानी को भी गंदा कर दे सने जुमले। और इन्हां दी सजा क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आखिरी हदीस सुनावा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं को ख्वाब दे अंदर कुछ लोग दिखाए गए, जिब्रील अमीन घिन गए। लंबी हदीस से मैं इशारा देवन चाहना, वो लोग फड़े बैठे अपने आप आप इवें तांबे दे नाखून हन, जलील ते रुसवा कीती पे हन, अपने आप को आप तबाह कीती पे हन। मैं जिब्रील को पूछे, जिब्रील जेड़े अपने आप को आप तबाह कीती पे हन, अपने आप को आप जलील और रुसवा कीती पे हन। जिब्रील अमीन उंदा जामिन भी अल्लाह, और जेड़ा बंदा मरीज दी इयादत करे उंदा जामिन भी अल्लाह। और वमन गदा इला मस्जिदन औ राहा काना जामिनन अल्लाह, जेड़ा लंघ जावे सोनी नात सुने दया लंघ जावे। ओए सुनाया ते मुक गए अंधेरे ने, होए तो ही नत दे सवेरे ने। ओदी जावे इंज नात सुने दी पढ़ जावा, पढ़दा पढ़दा मैं मर जावा। इंज नात सुने दी पढ़ जावा, पढ़दा पढ़दा काफी है अल्लाह सबकी।